हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बताइए, ठंड कैसा है आप लोगों की तरफ? हमारे तरफ तो ठंड बहुत ही ज्यादा। शाम का टाइम है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मोबाइल हम सेट नहीं कर पा रहे, आई थिंक अब अच्छा आएगा। थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ठंड तो बहुत बढ़ गई है। आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी है? तो शाम का टाइम है तो हमने सोचा कि चलो एक व्लॉगिंग कर लिया जी, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया है। सो हम नहीं कर पाए हैं व्लॉगिंग, ज़्यादातर मेरी रील्स शॉर्ट्स ही आ पा रही है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने लवर्स को, मतलब कि मेरे चैनल लवर्स को कुछ तो कंटेंट मिलना चाहिए। सो शाम का टाइम है और हो गया है स्नैक्स का टाइम, तो चलिए कुछ बनाते हैं क्योंकि हो गया है शाम का टाइम, तो कुछ बनाने की ज़रूरत है। तो ये लिया है मैंने कढ़ा और हम बनाने जा रहे हैं। पता नहीं कि शाम को हमको लगता है 1-2 घंटे पहले से ही हमको थोड़ा सा ना वो खाने का मन कर रहा है, सूजी का हलवा। तो हम वेट कर रहे थे कि कब मेरे हस्बैंड आएंगे, तब सामने गर्मा गर्म बनाएंगे, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो ठंड के टाइम में सब कुछ गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने कढ़ाई रख दिया है, अब हम बनाने जा रहे हैं हलवा। इसमें दोस्तों मैं इसमें रखती हूँ घी, ये मैं घर का घी निकालती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, हम लेते हैं गाय का दूध, और जो गाय का दूध आता है उसे हम मलाई निकाल के रखते हैं, फ्रिज में स्टोर करते हैं, और जब वो फुल फिल हो जाता है तो हम घर पे ही घी निकालते हैं जो कि बिल्कुल प्योर है। मार्केट वाले घी के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन है जो अपने घर में ही घी बनाते हैं और कौन मार्केट से लेते हैं। बनाने के लिए हलवा बनाने के लिए हमने रख दिया है कढ़ाई, और अब है बारी घी की। तो मज़े में घी डालेंगे। क्योंकि जब घर में निकला हुआ घी है तो रिफाइंड में बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ठंड के टाइम में घी खाना भी चाहिए क्योंकि घी का तासीर जो है वो गर्म होता है, जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये लिया है मैंने सूजी, जो मैंने पहले यूज़ किया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज हम बनाते हैं इसको, और हम जब भी सूजी का हम बनाते हैं ना दोस्तों, तो हम इसमें एक चम्मच या दो चम्मच सूजी के अकॉर्डिंग हम इसमें बेसन जरूर मिलाते हैं, क्योंकि सूजी और बेसन को मिक्स करके कभी आप घर पे हलवा बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने लिया है बेसन, हम इसे खूब अच्छे से रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें चाशनी बना करके डालेंगे मीठा होने के लिए, चीनी का चाशनी बना करके डालेंगे। और उसके बाद से हम लोग इस पर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। और हमको जो है ना हलवा, बहुत लोगों को देखते हैं जो कि मतलब हलवा जैसे चाशनी में डालते हैं, बनाते हैं ऐसे, तो चाशनी डालते हैं हम, लेकिन चाशनी में हम जैसे सब लोग चीनी का चाशनी बनाते हैं तो जैसे पानी का यूज करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है कि जैसे कि जो चाशनी हम लोग पानी में बना रहे हैं चीनी का,
तो हम क्या करते हैं कि हम उसको दूध का बनाते हैं, क्योंकि हमको दूध वाला अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग दूध में चीनी का चाशनी बनाते हैं और उसके बाद से हम इसमें डालते हैं। तो दूध से बना हुआ हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, डालते डालते हम लोगों की अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अभी तो ये होगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से रोस्ट। बेटू, सूजी का हलवा बना रहे हैं, खाना है? हाँ? खाना है हलवा? हाँ। टेस्टी टेस्टी हलवा, गर्मा गर्म। हाँ। आपको अच्छा लगता है ना? हाँ। ये है मेरे बेटू, जिनको बहुत पसंद आता है हलवा, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो बच्चों का भी पसंद हो जाएगा और आज मेरा भी मन कर रहा था मीठा खाने का, तो बनाते हैं। और ठंड तो बहुत हो रहा है, ठंड के टाइम में कोई काम करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है ऐसे कोई बना बनाया खाना दे दे या फिर कोई करने वाला हो, लेकिन कोई क्या, कोई भी करेगा तो जब ठंड का टाइम है तो किसी को भी ठंडा लगेगा ही, पता नहीं। ठंड ठंड में नॉर्मल भी ठंडा रहता है तो थोड़ा सही होता है, लेकिन जब ये इस टाइप का ठंड पड़ता है एकदम, मतलब कि कुछ भी टच करो तो एकदम लगता है कि करंट लगा, ठंडा एकदम छुओ बिस्तर ठंडा, बर्तन ठंडा, पानी तो बाप रे पानी बहुत ठंडा, और टंकी का पानी तो माय गॉड, टंकी के पानी से कोई काम करने चाहिए तो पूरा हाथों ऐसा लगता है कि करंट लग गया वैसे। ना भैया, हम टंकी के पानी से तो काम नहीं करते हैं, जो मेरे यहाँ डायरेक्ट पानी आता है उससे करते हैं, और अगर डायरेक्ट पानी बंद हो जाता है तो फिर हम वो काम वहीं पे छोड़ देते हैं। काम क्या, हमको लगता है बर्तन धोने का ही ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, तो अगर पानी नॉर्मल ये डायरेक्ट आता रहता है तो गर्म गर्म आता है तो हम उसे बर्तन धो लेते हैं, और अगर वो गर्म पानी आना बंद हो जाता है तो हम टंकी के पानी से बर्तन नहीं धोते, हम सुबह के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग ठंड के टाइम में बना रहे हैं सूजी का हलवा, और हम और हमारी फैमिली हम लोग इंजॉय करेंगे सूजी का हलवा, और आप लोग भी ज़रूर कुछ ना कुछ इंजॉय कर ही रहे होंगे। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, ये था हमारा एक छोटा सा मिनी ब्लॉग, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।